कभी भी ये मत सोचो कि ये नहीं हो सकता. ऑलवेज थिंक दैट यू कैन, यू हैव टू, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस. आपके पास ऑप्शंस है ही नहीं, करना ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. Are you ready for your IELTS exam and literally confused that where you should go for it? So guys, this video is for you. Because in this video, I'm gonna inform you that which is the best location for you, where you can get your highest score. So guys, do not skip the video, watch till end. And if you are new on my channel, consider subscribing. And do not forget to press the bell icon. So let's start with it. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट व्हाट्स इन योर माइंड. सबसे पहले बात करते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सर मोगे पेपर भर दिए वहां पे बैंड ज्यादा आते हैं सर, या चंडीगढ़ नहीं भरना वहां उत्थे बैंड घट आते हैं, ठीक है, या कहीं और फॉर एग्जाम्पल बठिंडा भर देते हैं सर वहां पे बैंड ज्यादा आते हैं. सो गाइस, दीज आर द मिथ्स. ये मिथ है. यहां पे लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो भरते क्यों हैं एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल आप रहते बठिंडा में हो, एग्जाम भर रहे हो जयपुर, जलंधर एंड सो ऑन. और जो जलंधर के स्टूडेंट्स हैं वो भरते हैं बठिंडा या लुधियाना, दे गो फॉर मोगा एंड सो ऑन. सो गाइस, मतलब क्या इस चीज का, जहां पे आप रहते हो जरूरी नहीं है कि वहां से दूर जाके आपको एग्जाम भरना चाहिए. उस चीज के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो स्टूडेंट्स ये चीजें करते हैं. बट लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट यू शुड डू. ओके, सो गाइस, पहली चीज इसका ड्रॉबैक क्या होगा अगर आप अपने एरिया से बहुत दूर जाके एग्जाम फिल करते हो. सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके बैंड इंक्रीज होने वाले है नहीं, ठीक है, कि ऐसे नहीं इंक्रीज होंगे कि आप अगर बठिंडा में हो तो आप मोगा में जाके एग्जाम दे रहे हो तो आपके बैंड इंक्रीज हो जाएंगे. एग्जामिनर तो सेम ही है हर जगह पे, ठीक है. होगा क्या कि आप अगर बठिंडा में हो और आप लुधियाना या मोगा या कहीं और दूर जाके आप एग्जाम फिल कर रहे हो तो बहुत सारी कठिनाई हो सकती है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं उस चीज के, क्योंकि एग्जाम एक दिन में नहीं होता, एग्जाम दो दिन में होता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो ये है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपका आज एग्जाम है, इसके बाद जो स्पीकिंग एग्जाम है दैट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 days or 3 days, तो फिर उस दिन आपको फिर से जाना पड़ेगा, तो ये ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जब ट्रैवल कर रहे होंगे आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. दैट्स द बिगेस्ट इश्यू विद दिस थिंग. अगर आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया तो आपका एग्जाम फिर अच्छा नहीं होगा. गाइस, मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में ये कहता हूं कि जो आईएलएस एग्जाम है ये टोटली डिपेंड करता है आपकी नेचर के ऊपर. आई मीन टू से दैट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मूड. अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा तो आईएलएस भूल जाओ. आईएलएस आपका हाफ बैंड आपकी ट्रेवलिंग में ही डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है. सो डू नॉट चूज फार अवे locations, जस्ट चूज वेयर यू आर कंफर्टेबल. अगर कहीं पे पहले होता था, बहुत पहले होता था कि लोग अपने शहर में भरते नहीं थे क्योंकि वहां पे अवेलेबल नहीं होता था. आज के टाइम पे हर जगह पे आप एग्जाम दे सकते हैं, हर जगह पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है. अपने शहर में एग्जाम दो क्योंकि उस वक्त आप फ्रेश फील करोगे और जाके एकदम से आप फ्रेश माइंडेडली आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट, ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जहां पे आप हो आप वहीं पे एग्जाम फेल करो. ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि कहीं और जाके अगर आप एग्जाम फेल करेंगे तो आपके बैंड इंक्रीज हो जाएंगे. इसके ड्रॉबैक्स बहुत है, एडवांटेजेस ना के बराबर ही हैं, ठीक है. Now, coming to another issue, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सी डेट ले, जीटी वाला एग्जाम के साथ वाली या उसके अलग से. सो गाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता. गाइज, दे आर नॉट जस्ट सीइंग दैट अगर आप जीटी वालों के साथ भर रहे हो तो आपको इजी देंगे और डिफिकल्ट देंगे अगर आप अकेले भर रहे हो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो आयल्स है वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ लग जाएगी बात. एक एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें फॉर एग्जाम्पल 20 students हैं. 20 students में से 5 के बैंड आते हैं 8,
पांच के आए छह, पांच के आए चार। जो चार या छह वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहना है कि सर औखा था, बहुत डिफिकल्ट था एग्जाम। और जो आठ वाले थे उन्होंने, हो सकता है वो कहें कि सर इजी था, बहुत ही इजी एग्जाम था। तो ये आपके रिव्यूज जो है वो डिपेंड करता है कि जो दूसरा इंसान है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। सो आप अपनी कैपेबिलिटी अगर इंक्रीज करोगे तो आईएलटीएस विल डेफिनेटली बी इजी फॉर यू, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट एंड इट्स अ फैक्ट। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कोई भी दिन का एग्जाम आप फिल कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेपरेशन पूरी है तो आप कोई भी एग्जाम फिल कर दीजिए, आपके बैंड बिल्कुल आएंगे। एग्जामिनर की आपके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो रिपीट हो चुका है, रिपीट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तीन बार, चार बार, पांच बार एग्जाम दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर एग्जाम्पल आईडीपी में ही एग्जाम दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चेंज करके एग्जाम दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो रिपीट हो रहा है। सो गाइज, रिपीट नहीं हो रहा, आप अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज ही नहीं कर रहे। एक एग्जाम देने के बाद आप तुरंत ही दूसरा एग्जाम दोगे, ये एक इंटरनेशनल एग्जाम है, इनके एक नॉर्म्स बने हुए हैं जिसके आधार पर ये आपको बैंड देते हैं, और वो सभी एग्जामिनर्स के लिए सेम है। अगर एक एग्जामिनर ने आपको पांच बैंड दिए, आप 10 दिन बाद सेम उसी कैपेबिलिटी के साथ दूसरे एग्जामिनर के पास जाते हो, वो पांच या साढ़े पांच एग्जाम आपको दे देता है, देन दैट डज नॉट मीन कि आपकी जो रिजल्ट है वो रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स दैट यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर कैपेबिलिटी। अगर एक बार आपने एग्जाम दे दिया उसमें आपके पांच बैंड या साढ़े पांच बैंड आते हैं, तो आप एटलीस्ट वन मंथ प्रिपेयर करके फिर एग्जाम दीजिए। अगर आपकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई होगी तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप दैट ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इफ यस गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो Do not forget to hit the like button, and if you want to join my online classes and want to score your capability, so guys you can do that. The number is given over here, and thanks for watching. And guys, do not forget to share this video with your friends. Okay, thank you.